मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती बलकेश मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण का पाठ 5 शब्द भंडार के पर्यायवाची शब्दों के विषय में पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द आपने पिछली कक्षा में तो पढ़े ही थे, तो चलिए इन्हीं पर्यायवाची शब्दों के विषय में हम अपने ज्ञान भंडार में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, दिखाए गए चित्र को जरा ध्यानपूर्वक देखिए। पुरातन काल में शिक्षक को क्या कहते थे? पुराने समय में उन्हें गुरु कहते थे, प्राचीन काल में उन्हें आचार्य कहते थे। बच्चों, उपयुक्त संवाद को पढ़कर यह जाना कि एक ही प्राणी, वस्तु, स्थान आदि को हम कई नामों से पुकार सकते हैं, अर्थात समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र, सखा, दोस्त, साथी, नाम अलग हैं परंतु अर्थ समान है, इसीलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। बच्चों, इसी प्रकार से कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द देखें। आँख, लोचन, नयन, नेत्र, जंगल, वन, कानन, गहन, स्त्री, कांता, नारी, महिला, हाथी, गज, हस्ती, मतंग, बगीचा, उपवन, वाटिका, बाग, आकाश, नभ, गगन, अंबर, चांद, शशि, चंद्रमा, चंद्र, फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, पक्षी, पखेरु, खग, नभचर, घर, सदन, भवन, गृह, सिंह, शेर, वनराज, केसरी, पर्वत, शैल, नग, अचल, गिरी, पथिक, मुसाफिर, राहगीर, पंथी, बटोही, किसान, खेतिहर, कृषक, हलवाहा, हलधर, तोता, सुग्गा, कीर, शुक, सुआ। बच्चों, आपने देखा कि एक शब्द के उसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, इसी प्रकार से समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि के आधार पर उसके पर्यायवाची शब्द का जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। मेरे नन्हे बच्चों, अब आपने पर्यायवाची शब्द तो समझ ही लिए हैं, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद। विलोम शब्द वाली भी ले ले एक बार। विलोम शब्द।